पार्ट 7 की शुरुआत में यांग जू को सबसे छुपा कर रखती है और फिर मॉर्निंग में उसे वॉशरूम में छोड़ देती है, जहां वो वापस इंसान बन जाता है। फिर हम उन दोनों को वर्ल्ड इलेक्ट्रॉनिक काउंसिल में देखते हैं। तभी यहां हम जू की एक्स गर्लफ्रेंड हाउ को भी देखते हैं। हाउ को देखकर दोनों सैड हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता था कि वो उनका काम बिगाड़ेगी। जिसके बाद जू सभी के सामने अपनी स्पीच देता है, जिसमें कि हाउ उससे सवाल करने लगती है और उसके प्रोजेक्ट की तारीफ करती है। नेक्स्ट सीन में यांग रेडी होकर आती है, क्योंकि काउंसिल खत्म होने के बाद एक पार्टी थी। जू तो उसे देखता ही रह जाता है, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा प्रीटी लग रही थी। देन दोनों पार्टी में जाते हैं और डांस करते हैं। तभी यांग के पैर में मोच आ जाती है, तो जू उसके पैरों में आइस लगाता है। और ये सब जू की एक्स गर्लफ्रेंड हाओ भी देखती है कि वो उसकी कितनी केयर कर रहा है। फिर वो यांग के पास आकर पूछती है कि क्या तुम ठीक हो। तभी वहाँ एक सॉन्ग बजने लगता है, जिसे सुनकर वो बोलती है कि ये तो वही गाना है ना। जू बोलता है कि हाँ, ये वही गाना है जिस पर हम साथ में डांस सीखते थे। अब अगले सीन में दोनों घर आ जाते हैं। शुई शुई उन्हें अंदर नहीं जाने देती, मगर जू उसे हटाकर अंदर आ जाता है, जहाँ यांग के पेरेंट्स बैठे होते हैं। और उसके पापा तो जू को देखकर गुस्सा कर रहे होते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि जू कोई काम नहीं करता। यांग शुई शुई से बोलती है कि तूने इस बारे में मुझे पहले क्यों नहीं बताया। तो वो बोलती है कि पहले तू अपना फोन देख, मैंने कितनी बार कॉल किया है, कितने बार टेक्स्ट किए हैं तुझे बताने के लिए। यांग बोलती है सॉरी, वो क्या है ना, मैंने अपना फोन चेक ही नहीं किया और साइलेंट में था, इसलिए मुझे कुछ पता नहीं चला। वो बोलती है कि मेरे मॉम डैड क्या सोचेंगे कि मैं अपने बॉस के साथ उनके ही घर में रह रही हूँ। शुशी बोलती है टेंशन मत ले, क्योंकि एक न एक दिन तो उन्हें पता चलना ही था। यांग बोलती है एक मिनट, लेकिन मेरे मॉम डैड को ये कैसे पता चला कि मैं यहाँ रहती हूँ। ये सुनकर शुशी बहाना बनाकर वहां से भाग जाती है, क्योंकि उसके मॉम एंड डैड को उसी ने बताया था कि यांग यांग यहाँ रहती है। नेक्स्ट सीन में यांग के पेरेंट्स उसे एक लड़के के साथ रहने के लिए डांट रहे होते हैं कि तुम एक लड़के के साथ हमारी बिना परमिशन के कैसे रह सकती हो। यांग बोलती है हम साथ में नहीं रहते, अलग अलग रूम्स में रहते हैं। डैड बोलते हैं क्या तुम्हारे पास पैसों की कमी है जो तुम्हें किसी के साथ अपार्टमेंट शेयर करना पड़ रहा है, और तो और तुम्हें उस बंदे का बैकग्राउंड भी नहीं पता कि कहाँ से है और क्या करता है। यांग बोलती है हाँ, मेरे पास पैसे नहीं है, और मैं पहले भी तो शुई शुई के साथ अपार्टमेंट शेयर करती थी ना, तो अब क्या प्रॉब्लम है। जिसके बाद जू ने बताता है कि अरे अंकल, मैं कोई ऐरा गैरा लड़का नहीं हूँ, बल्कि मैं तो डिंग टियान ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक्स का सीईओ हूँ। यांग की मॉम बोलती है कि तुम्हारी कंपनी हमारे 2 मिलियन युआन खा गई है और अभी तक वापस नहीं दिए। जिसके बाद वो यांग को बताती है कि हमारे पास 2 बिलियन है, जो कि तुम्हारे दादाजी तुम्हारे लिए छोड़कर गए थे। जिसे सुनकर तो शुई शुई के साथ साथ मिस्टर जू भी शॉक्ड हो जाते हैं कि 2 बिलियन। यांग पूछती है तो फिर आपने मुझे पहले इस बारे में क्यों नहीं बताया। पेरेंट्स बोलते हैं क्योंकि ये जानने के बाद तुम इतना हार्डवर्क नहीं करती, इसीलिए। और तुम हमारी इकलौती बेटी हो, ये पैसा तुम्हारा ही है, तुम जो कुछ भी करना सोच समझ कर करना। और तुम एक रैंडम सीईओ बॉयफ्रेंड कैसे बना सकती हो जिसका कुछ ठिकाना ही नहीं है। ये सुनकर तो यांग जू की तारीफ करने लगती है और उसके हार्डवर्क के बारे में बताती है किसने कितनी मेहनत की है। जूदो ये सब सुनकर बहुत खुश हो रहा था, मगर तभी यांग के पेरेंट्स नहीं मानते। फिर वो उससे उसके बॉस की वीकनेस के बारे में पूछते हैं, पर यांग उन्हें नहीं बता सकती थी कि वो शाम होते ही पिग बन जाता है। तभी सनसेट होता है, उसे देखकर जू को डर लगने लगता है कि कहीं वो उनके सामने ही पिग ना बन जाए, इसीलिए जू बहाना करके वहां से भाग जाता है। और यांग अपने पेरेंट्स को बताती है कि यही मेरे बॉस की वीकनेस है कि वो बातों को आधा छोड़कर बीच में से ही भाग जाते हैं। और इधर जू अंदर आते ही पिग बन जाता है और उनकी बातें सुन रहा होता है। यांग की मॉम यांग को जू के साथ रहने के लिए मना करती हैं, तो यांग कहती है ठीक है, मैं उसके साथ नहीं रहूंगी। ये सब सुनकर जू थोड़ा सैड हो जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग जू यांग को बहुत सारा काम दे के बोलता है कि अर्जेंटली इसे कम्प्लीट करके दो। यांग जू के पास आकर उससे बोलती है कि मैंने सारा काम कर दिया है, और कोई काम हो तो मुझे बता दो, नहीं तो फिर मुझे घर जाना है। और उसको भी घर जाने के लिए बोलती है, जिस पर जू गुस्से में आकर मना कर देता है, क्योंकि वो अभी तक उससे कल रात वाली बात से गुस्सा होता है कि वो ऐसा कैसे कह सकती है कि मेरे साथ रहना नहीं चाहती। यांग बोलती है कि आपका पिग वाला पैग घर पर है, तो क्या मैं उसे ले आऊं। जू मना कर देता है और नाराज होकर कहता है, तुम्हारे जैसे आउटसाइडर को मेरी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, मुझे पता है मुझे क्या करना है। आउटसाइडर वर्ड सुनकर यांग सैड हो जाती है
वो वहां से जाने वाली होती है तभी जू के फोन पर मैसेज आता है कि होंगुआंग टेक्नोलॉजी की स्टॉक प्राइस बहुत ही ज्यादा हाई हो गई है। ये देखकर वो यांग से बोलता है कि हाओ के साथ मेरी मीटिंग अरेंज करो। नेक्स्ट सीन में यांग शुशी से बातें कर रही थी। वो बोलती है कि मुझे ये पता करना होगा कि क्या मिस्टर जू मुझे पसंद करते भी हैं या नहीं। अब वो दोनों साथ में कहीं जा रही होती हैं। तभी यांग जू को हाओ के साथ देखती है और छुपकर उन पर नजर रखने लगती है। वो शुशी से कहती है कि इन्होंने तो मुझसे कहा था कि ये मीटिंग के लिए जा रहे हैं, मगर वो तो हाओ के साथ कैफे में हैं। अब घर आकर यांग हाओ के बारे में फोन में चेक करती है तो उसे पता चलता है कि वो बहुत ही ज्यादा पॉपुलर है और अपनी लाइफ में काफी सारे मेडल्स को भी जीत चुकी है, जिसमें से एक मोस्ट इन्फ्लुएंशियल एंटरप्रेन्योर अवार्ड भी होता है जो उसे ईवी सिटी में मिला था। ये सब देखकर यांग सोचती है कि मैं तो इसके आगे कुछ भी नहीं हूँ और फिर अपने आप को समझा कर सो जाती है कि सोचा बेटा सोचा, क्योंकि मिस्टर जू तो तुझे नहीं मिलने वाला। अब अगले दिन हम उन दोनों को हांगवांग ग्रुप के साथ मीटिंग में देखते हैं। जू बोलता है कि पहले आप लोगों को जो भी प्रॉब्लम हुई थी वो अब नहीं होगी और अब हम अपना न्यू बिजनेस स्टार्ट करने वाले हैं इलेक्ट्रॉनिक फायर क्रैकर्स का, तो इस प्रोजेक्ट में मुझे आप सभी की हेल्प चाहिए। और इसी के साथ मीटिंग खत्म हो जाती है। मीटिंग के बाद हाओ जू से हैंडशेक करती है और ये देखकर यांग सैड हो जाती है और सोचती है कि क्या बॉस इसके साथ बिजनेस कर रहे हैं या फिर इनका कुछ और ही मकसद है। यहाँ पर यांग गलत समझ लेती है। उसे लगता है कि जू हाओ को अभी भी पसंद करता है। फिर वो दोनों को एक साथ इमेजिन करने लगती है और देखती है कि मिस हाओ उसे साइड कर देती है और खुद जू के साथ हाथ में हाथ डालकर बैठी होती है। प्रेजेंट में हाओ गिरने वाली होती है मगर जू उसे पकड़ लेता है तो वो उसे थैंक्स बोलकर वहां से चली जाती है। यांग मिस्टर जू से बोलती है कि उसके पीछे जाइए अगर आप अभी भी उसे पसंद करते हैं तो। जू बोलता है क्या, तो यांग बोलती है कुछ भी नहीं, अब आप सब मुझ पर छोड़ दीजिए। नेक्स्ट सीन में यांग जू के पास आती है और उसे हाओ के साथ रिलेशनशिप स्टार्ट करने के लिए बोलती है और कहती है एक सीईओ के साथ एक सीईओ ही अच्छी लगेगी, और जल्द से जल्द ट्रू लव फाइंड करने के लिए बोलती है और बताती है कि मैं आपका नाम लगाकर रोज उसे फ्लावर्स वगैरह भेजा करती थी, क्योंकि उसे तो ऐसा ही लग रहा था कि जू और हाओ एक दूसरे को अभी भी पसंद करते हैं। जू तो इस बात से बहुत गुस्सा हो जाता है कि तुमने ये सब क्यों किया। वो बोलती है ताकि हाओ को लगे कि आप उसे अभी भी लाइक करते हैं, और मैंने ये सब बस आपके लिए किया है क्योंकि आप तो इतने बिजी रहते हो। आपका बर्थडे आने वाला है, आप बहुत जल्द ही 27 के हो जाओगे, और अगर उससे पहले आपने अपना ट्रू लव फाइंड नहीं किया तो हमेशा के लिए पिग बन जाओगे। इतना कहकर वो गुस्से में वहाँ से चली जाती है और घर पे आकर ओवरथिंकिंग करने लगती है कि आप तो मेरे साथ रिलेशनशिप स्टार्ट कर रहे थे तो हाओ के पीछे क्यों पड़ गए। जल्द ही आप 27 के हो जाओगे, अगर तब तक आपको आपका ट्रू लव नहीं मिला तो क्या होगा। ओ गॉड, आखिर किसी को लाइक करना इतना मुश्किल क्यों है। अगले दिन वो अपनी रूममेट को बताती है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि हम लोगों के बीच सब कुछ खत्म हो रहा है, स्पेशली मिस्टर जू की तरफ से, क्योंकि वो काफी दिनों से जानबूझकर मुझे इग्नोर कर रहे हैं। जिस पर शुशी बोलती है आइडिया, तुम जू के सामने अच्छे अच्छे कपड़े पहनो और उसे अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करो। अब यांग बहुत सारी ड्रेसेस खरीद लाती है। जू वहां आकर उनसे बोलता है कि तुम लोग ये सब क्या कर रहे हो। यांग उससे पूछने वाली थी कि मेरा ड्रेस कैसा लग रहा है, मगर तब तक तो जू वहां से चला जाता है। ये देखकर शुशु यांग से बोलती है कि पहला प्लान तो फ्लॉप हो गया, कोई नहीं, मेरे पास प्लान नंबर 2 है। अब तुम जू को थोड़ा जेलस फील कराओ ताकि उसे तुम्हारी वैल्यू पता चले, और अगर वो जेलस हुआ मतलब 100% वो तुम्हें लाइक करता है। अब यांग अपने एक कलीग से बात करने लगती है। जू भी उसे देख रहा होता है। यांग जानबूझकर उस कलीग से डेट पर चलने के लिए बोलती है, मगर तभी जू बोलता है कि मिस यांग आज आपको एक्स्ट्रा वर्क करना है ओवर टाइम, मगर वो बोलती है कि सॉरी मिस्टर जू, क्योंकि आज तो मेरी डेट है। जू ठीक है बोलकर वहां से चला जाता है और ये देखकर यांग सैड हो जाती है। शुशी को बताती है कि जू को तो कोई फर्क ही नहीं पड़ा। शुशी बोलती है कि अब तो तुम्हारे पास बस एक ही रास्ता है, तुम डायरेक्ट जाकर जू से इस बारे में बात करो। यांग जू के पास जाकर उसे बोलती है कि आप हाओ के साथ डेट पर गए थे ना, इसीलिए आपने मुझे मीटिंग में आने से मना कर दिया था। जू से क्लियर करता है कि वो डेट नहीं थी, हम कैफे में मीटिंग कर रहे थे। और क्या तुम मुझ पर नजर रख रही थी,
यांग मना कर देती है कि नहीं, मैंने बस गलती से देख लिया था। जू बोलता है कि दरअसल हाओ ने मुझे वहाँ मिलने के लिए बोला था क्योंकि उसे कुछ जरूरी बात करनी थी। यांग बोलती है, मगर बात ऑफिस में भी तो हो सकती थी ना। ये सुनकर जू बोलता है, तुम्हें मेरे बारे में इतनी फिक्र करने की जरूरत नहीं, और मेरी मर्जी, मैं किसी से भी मिलूं, कहीं भी मिलूं। यांग पूछती है, तो फिर आपने मुझे उस मीटिंग में से जाने के लिए क्यों बोला था? जू बोलता है, देखो तुम सिर्फ मेरी एक असिस्टेंट हो, तो हर मीटिंग में असिस्टेंट को अपने साथ रखो, ये जरूरी नहीं है। ये सुनकर यांग को बहुत बुरा लगता है। नेक्स्ट सीन में यांग ओवर टाइम कर रही थी। शुई शुई उसको घर चलने के लिए बोलती है तो वो बोलती है, हांगवांग टेक्नोलॉजी का ये प्रोजेक्ट मुझे कंप्लीट करना है क्योंकि ये हमारे पास आखिरी मौका है अपनी कंपनी को बचाने का। और शुई शुई को सारी बात बताती है कि मिस्टर जू ने मुझसे कहा कि मैं बस एक असिस्टेंट हूँ, तो हर बात जानने की मुझे कोई ज़रूरत नहीं, और हर मीटिंग में वो मुझे अपने साथ नहीं ले जाएंगे क्योंकि मैं इतनी क्वालिफाइड नहीं हूँ। शुई शुई बोलती है, तो क्या तुम CEO बनने के लिए ओवर टाइम कर रही हो? वो मना करती है। अब अगले दिन यांग जू को मैसेज करके बोलती है कि क्या आपने वो प्रपोजल देखा जो मैंने आपको सेंड किया था? तभी उसे लैपटॉप में एक मैसेज आता है जिसमें लिखा होता है कि उसको एज अ सीनियर मैनेजर मार्केटिंग डिपार्टमेंट में ट्रांसफर कर दिया गया है। ये देखकर दोनों बहुत खुश होती हैं। और इसी के साथ ये पार्ट यहीं पे खत्म हो जाता है।